आज 5 अक्टूबर हमारा पिछले 24 घंटा का जो रेनफॉल मेजर रिपोर्ट मिला है, इसमें उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुआ, हाइस्ट रेनफॉल मिला राजकनिका 154.0 मिलीमीटर, कोमना 93.2 मिलीमीटर, रायगढ़ 78.0 मिलीमीटर, कोत्रागोड़ा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है 78.0 मिलीमीटर, मैथिली 76.0 मिलीमीटर, कोतपात 75.0 मिलीमीटर, नियाली 68.0 मिलीमीटर, इस तरह से रेनफॉल हुआ है। और अभी हमारा जो सिचुएशन है, जो कल जो लो प्रेशर एरिया वा लघुचाप नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अडजानी उड़ीसा कोस्ट कवर था, वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। एसोसिएटेड साइक्लोन सर्कुलेशन 5.8 तक है, इसका प्रभाव और भी 2 दिन रहेगा मेनली। और अगला 24 घंटा में हमारा जो फोरकास्ट है अभी, इसमें हल्का से मध्यम बारिश साउथ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में होने का चांसेस है। नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ठंडा हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल का वार्निंग भी है, एक दो जगह में ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर होने का चांसेस है। गजपति, गंजाम, रायगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, कालाहंडी, नवापारा, बोलांगीर, वरगा, संबलपुर, सोनपुर। और फिर कल 6 तारीख में भी हमारा इंटर उड़ीसा में मोस्ट प्लेसेस में मीन्स सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल वार्निंग भी है कल भी, कल कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहंडी, नवापारा, बरागढ़, बोलांगीर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। फिर 7 तारीख में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी डिक्रीज होगा, इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। फिर 8 तारीख और भी डिक्रीज रहेगा, उसमें फ्यू प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। फिर 9 तारीख और भी डिक्रीज होगा, उसमें एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ हल्का से मध्यम बारिश हो सकते हैं उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में। फिर और एक जो है हमारा एक लो प्रेशर एरिया 9 तारीख का आसपास अंडमान सी में होने का चांसेस है, जो कि 9 तारीख का बाद फिर सब्सिक्वेंट और 2-3 दिन में ये डिप्रेशन बनने का चांसेस है। और इसका मूवमेंट टुवर्ड्स हमारा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट का पास कोस्ट का तरह रहेगा, तो इसका प्रभाव में 11 to 13 इस पीरियड में उड़ीसा में एनहांस रेनफॉल एक्टिविटी मीन्स हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। और हमारा कैपिटल सिटी भुवनेश्वर एंड कटक को दोनों सिटी एरिया में अगला 24 घंटा में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और एक दो स्पेल्स करके थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश होने का चांसेस है। एक दो स्पेल्स इंटेंस रेन भी हो सकता है कुछ एरिया में।